नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर। उमेश पाल मर्डर केस मामले में यूपी पुलिस और एक आरोपी तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया। गुरुवार 13 अप्रैल की सुबह असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद आप तक ये मैसेज व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए पहुंच गया होगा। दरअसल गुरुवार दोपहर से ही कई चैनल्स के माध्यम से ये खबर चला दी कि गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर हो गया है, पुलिस ने उसे घेर लिया। राजस्थान के अजमेर से लेकर यूपी का झांसी, हर जगह धरा जा रहा है गुड्डू। हालांकि यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी अटकलों को साफ कर दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम का अभी एनकाउंटर नहीं हुआ है, असद और उनके दोस्तों शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया है, दोनों की मौत हो गई है, लेकिन दोस्तों गुड्डू फरार हो गया है। अब तक की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो खबर दोस्तों वायरल की जा रही है उसमें मैं आपको बता दूं, गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर नहीं हो पाया है, सिर्फ अतीक अहमद के बेटे और उनके शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया है। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी शूटर मोहम्मद गुलाम की जान झांसी के पास एनकाउंटर में चली गई है। असद और मोहम्मद गुलाम की तरह गुड्डू पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान सीसीटीवी में गुड्डू बम फेंकते हुए नजर आया है। बता दें कि 24 फरवरी को गुड्डू मुस्लिम और उसके साथियों ने उमेश पाल की हत्या कर दी। इस घटना में गोलियां भी चलाई गई थी और बम भी मारे गए थे। इस दौरान बम चलाते सीसीटीवी कैमरे में गुड्डू दोस्तों कैद हुआ था, जिसकी तलाश दोस्तों पुलिस जगह जगह कर रही है, लेकिन अभी तक दोस्तों गुड्डू का अता पता नहीं है। पिछले कई महीनों से फरार चल रहा है, लेकिन कल दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई थी। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आपको दे, गुड्डू का एनकाउंटर अभी नहीं हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ असद और उनके गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। तो अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, आज इनका अंतिम संस्कार भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी दोस्तों साइस्ता अपने बेटे को देखने के लिए पुलिस को सरेंडर भी कर सकती है। अब आगे देखते हैं कि क्या अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता पुलिस को दोस्तों सरेंडर करेगी या नहीं। आपको पूरी जानकारी आगे देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।